प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। बृहस्पति खराब कब होता है? जिन कुंडलियों के लिए बृहस्पति के परिणाम अशुभ होते हैं, अगर उनमें बृहस्पति के ऊपर पाप प्रभाव भी है तो बृहस्पति खराब होता है। जैसे वृषभ लग्न के लिए गुरु खराब है, मिथुन लग्न के लिए खराब है, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इनके लिए भी बृहस्पति खराब है। तो अगर ऐसी स्थिति में बृहस्पति पर पाप प्रभाव होगा तो हम कहेंगे कि बृहस्पति खराब है। बृहस्पति अगर राहु, शनि या केतु के प्रभाव में हो तो ये खराब हो जाता है। और बृहस्पति खराब हो जाए तो महिलाओं का विवाह 90% मामलों में नहीं हो पाता, और अगर हो भी गया तो विवाह चल नहीं पाता। खराब बृहस्पति पुरुष को खराब व्यवहार और खराब स्वभाव वाली पत्नी देता है। किसी पुरुष की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है तो उसकी पत्नी का स्वभाव, उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही खराब होता है, निगेटिव होता है, और ऐसे पुरुष अपनी पत्नी की वजह से काफी कष्ट भोगते हैं। वाइस वर्सा, अगर किसी महिला का बृहस्पति खराब है तो उसका विवाह बड़ी मुश्किल से हो पाता है, और पति के व्यवहार से, पति के स्वभाव से, पति की हरकतों से उस महिला को तकलीफ और कष्ट उठाना पड़ता है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। गायत्री मंत्र का जप सुबह के समय 108 बार जरूर करिए। मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बृहस्पति खराब है और ये पंगेबाजी अगर आप लेंगे तो वैवाहिक जीवन के अलावा आपका लिवर और आपका डाइजेशन भी खराब होगा। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें, उससे आपको फायदा होगा। और अगर बृहस्पति खराब है तो कृपा करके दाढ़ी और बाल अपने बड़े मत रखिएगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। अगर बृहस्पति कुंडली में उत्तम है, अच्छा है, तो विवाह पर क्या असर पड़ेगा? बृहस्पति अगर उच्च का है, कर्क में है, स्वगृही है, मीन में है, या मूल त्रिकोण में है, धनु राशि में है, तो उत्तम होता है। और अपने मित्र के घर में, सूर्य के घर में, चंद्रमा के घर में, मंगल के घर में बृहस्पति उत्तम रहता है। ऐसी दशा में महिला का अपना व्यक्तित्व भी संपूर्ण रूप से अच्छा हो जाता है। उसका विवाह, उसका वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष आम तौर पर उत्तम बना रहता है। पुरुष को अच्छी और सुगढ़ पत्नी मिलती है। ऐसी पत्नी के आने से उसके जीवन में उन्नति होती जाती है। अगर गुरु अच्छा हो आपका, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, अच्छी पत्नी हो आपके पास, अच्छा पति हो आपके पास, तो इसकी शुभता को बढ़ाइए। और इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए ईश्वर की शरण में रहिए, उनकी पूजा उपासना करिए, ध्यान, मंत्र जप और दान अगर ये नियमित रूप से आप करते रहें तो बृहस्पति की शुभता बढ़ेगी, और अगर उसकी शुभता बढ़ेगी तो आपका जीवन सुखी होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।